हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वेब रहमान। आज हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन 886 असेंबली लैंग्वेज। आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती हैं, इफ स्टेटमेंट, एल्स की स्टेटमेंट है, एल्स इफ स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है। इनके कीवर्ड्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप जो है अपनी कंडीशंस जो है अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एज सच कीवर्ड्स अवेलेबल नहीं है जिनको आप यूज़ कर लें। अब असेंबली लैंग्वेज 886 में आपने ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डेवलप करने हैं। तो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अगर डेवलप करने हैं 886 असेंबली लैंग्वेज में, तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के जंप्स होते हैं। एक हमारे पास कंडीशनल जंप है, जिसमें हमने कंट्रोल ट्रांसफ़र करना हो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। और दूसरा जो है आपके पास अनकंडीशनल जंप होता है, जो विदाउट एनी कंडीशन जो है कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। तो कंडीशनल जंप जो है, इसका सिंटैक्स आपके पास जनरल, इसका सिंटैक्स ये है कि आपके पास यहाँ पे कोई भी जंप आएगा और आगे आपके पास एक डेस्टिनेशन लेबल आएगी। ये डेस्टिनेशन लेबल आपके पास, इसमें कोई स्पेस नहीं आती, इसमें आपके पास आमतौर पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो है हम यूज़ करते हैं, और आपके पास ये जो लेबल है इसमें जो भी कोड होगा वो आपके पास जब जंप करते हैं हम इस डेस्टिनेशन लेबल पे, तो इस लेबल में जो भी आपके पास कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये आपके पास लेबल, ये देखें, ये आपके पास जो यहाँ पे जंप आप यूज़ करेंगे, अगर तो ये जंप की कंडीशन के लिए जो फ्लैग्स हैं वो ट्रू होंगे तो ये इस डेस्टिनेशन की लेबल पे जंप करेगा। अदरवाइज अगर आपका यहाँ पे ये जंप जो इसको फ्लैग्स ट्रू चाहिए थे वो ऑन नहीं हुए, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स होगा तो इमीजिएटली जंप के बाद जो इंस्ट्रक्शन होगी वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। या तो आपके पास कोई भी जंप आपका, उसकी कंडीशन जो है ट्रू हो सकती है कंडीशनल जंप की, या फॉल्स हो सकती है। ट्रू के केस में वो आपके पास उस डेस्टिनेशन लेवल पे जंप करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स के केस में इमीडिएटली जो भी जंप के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अब हमारे पास यहाँ पे जो जंप्स के बिहाइंड जो आपके पास बेसिकली लॉजिक है वो फ्लैग्स की है, फ्लैग्स बिट्स जो है आपकी यूज़ हो रही हैं, जो कि आपके प्रोसेसर को जो है सिग्नल देती हैं कि यहाँ पे आपके पास कंडीशन जो है ये ट्रू है या नहीं। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी कि इंट्रोडक्शन टू फ्लैग रजिस्टर इन 886 माइक्रो प्रोसेसर और फ्लैग्स बिट्स कैलकुलेशन इन 88 माइक्रो प्रोसेसर विद एग्जाम्पल, तो आप वो वीडियो देख लें। तो हम आगे यहाँ पर देखते हैं अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप का आपके पास सिंटेक्स ये है कि आप जिस तरह हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ करते थे अनकंडीशनल जंप करने के लिए, कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए गो टू स्टेटमेंट, इस तरह आपके पास यहाँ पे यूज़ होती है जेएमपी। जेएमपी स्टैंड्स फॉर जंप, और जंप के आपके बाद आपके पास यहाँ पे स्पेस आएगी और यहाँ पे वो डेस्टिनेशन लेबल आएगी जिस भी लेवल पे आपने कंट्रोल ट्रांसफ़र करना। इसका मेन जो आपके पास पर्पस है, ये कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विदाउट एनी कंडीशन, यानी कि बगैर कोई कंडीशन लगाए, यानी कि मैं ग्रेटर की कंडीशन लगाता ना, मैं लेस की लगाता, मैं इक्वल, यानी कि कोई भी कंडीशन लगाए बगैर हम अपना कंट्रोल विद इन ए प्रोग्राम ट्रांसफर कर सकते हैं जे एम पी से। तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं असम्बली में 886 माइक्रो प्रोसेसर में। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कोई एक वैल्यू, लेट सपोज मैंने ए एक्स रजिस्टर यूज कर रहा हूँ, इसमें मैंने कोई वैल्यू मूव कर दी, लेट सपोज 3, और यहाँ पे आपके पास एक बी एक्स रजिस्टर, इसमें मैंने एक वैल्यू मूव कर दी 2। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप यहाँ पे जे एम पी, यानी कि आपके पास यहाँ पे एक लेबल मैंने बनाई सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे जंप कर जाओ। तो लेबल बनाने का क्या है, ये आपके पास आप क्या कर रहे हैं, टू कॉल ए लेबल, हम ये जो है यहाँ पे प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, जीएमपी लिखते हैं हम, उसके बाद उस लेबल का नाम लिखते हैं जिसको हमने कॉल करना है।
अब देखें, जब मैं लेबल को एक कॉल करूंगा तो वो लेबल जो है आपके पास डिफाइन नहीं है, तो आपके पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, रॉन्ग पैरामीटर्स। तो एक तो ये जिस तरह आप हाई लेवल लैंग्वेज में ये काम करते हैं, जब आप फंक्शन जो है कॉल कर रहे होते हैं तो अगर वो फंक्शन डिफाइन नहीं है तो आपके पास एरर आता है। इसी तरह आपके पास जब आप एक लेबल को कॉल कर रहे हैं, आप एक जंप करवा रहे हैं एक लेबल पे, तो अगर वो लेबल डिफाइन नहीं है आपके कहीं भी प्रोग्राम में तो आपके पास एरर थ्रो आपको असेंबलर करेगा। तो लेबल डिफाइन करने का क्या आपके पास यहाँ पे मेथड है, आपने लिखना है लेबल का नाम, वही जिसको आपने ऊपर कॉल किया, और उसके आगे आपने लिखना है कॉलम। तो ये आपके पास है, हमने ये इस तरह डिफाइन करना है एक लेबल को। डिफाइन किया मैंने लेबल ऑफ नेम सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने इस लेबल में मैं वो कोड करूंगा। अगर देखें, जब मेरा असेंबलर में कोड जो है वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, अगर आपके पास सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, देन आपकी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आपकी ये इंस्ट्रक्शन आ रही है, तो आपका कंट्रोल ट्रांसफर होगा इस जो लेबल पे, और इस लेबल में आपके पास अगर मैंने ये कोड लिखा तो इस लेवल के फौरन बाद आपका इमीडिएटली ये जो है कोड एग्जीक्यूट होगा। याद रखिएगा, आप जो है सेम नाम की लेबल नहीं बना सकते, यानी कि मैंने एक लेबल बना ली है सब्ट्रैक्ट की, मैं इसी नाम की दोबारा लेबल नहीं बना सकता। ये देखिए आपके पास एरर आ रहा है, डुप्लीकेट डिक्लेरेशन ऑफ सब्ट्रैक्ट, यानी कि आप सेम नाम की दोबारा लेबल नहीं बना सकते। दूसरा यहाँ पे ये कि आप ये के पास अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एड ए एक्स बी एक्स, तो आप यहाँ पे ये काम कर रहे हैं कि ए एक्स में आप ए एक्स प्लस बी एक्स कर रहे हैं, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स कर रहे हैं। अब देखें, ये आपके पास इंस्ट्रक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई, ए एक्स में 3 मूव हुआ, फिर बी एक्स में 2 हुआ, इमीजिएटली आपके पास जे एम पी जो है सब्ट्रैक्ट, ये आपने कॉल की ये लेबल सब्ट्रैक्ट, तो वो सब्ट्रैक्ट की लेबल है। अब हर लेबल का आपके पास एक यूनिक एड्रेस होता है, ये सब्ट्रैक्ट की लेबल है, इसका एक यूनिक एड्रेस होगा, और इस एड्रेस में आपके पास ये कोड पड़ा हुआ है, दैट इज वाई वो क्या कर रहा होता है, जंप कर रहा होता है एक एड्रेस पे, उस एड्रेस पे उसने जंप किया, और इमीजिएटली आपके पास ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा ए एक्स माइनस बी एक्स, तो आपके पास 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो आपके पास ए एक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बट वट अबाउट दिस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन आपकी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी इस सिनेरियो में, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इंस्ट्रक्शन विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड, क्यों, क्योंकि आपके पास आप कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे हैं विद इन ए प्रोग्राम अनकंडीशनली, ठीक है, यहां से आपने कंट्रोल ट्रांसफर करा दिया इस लेवल पे, और इस लेवल में कोड चला, उसके बाद आपका यहाँ पे ये एग्जिट का कोड आ रहा है, तो उसमें इसमें जो है सब रूटीन 4C जो है आपने यहाँ पे स्टोर की ए एक्स में, और आपने इंटरप्ट जो है इन्वोक कर दिया। तो अब आपके पास देखें यहाँ पे इमुलेट करें इसे, तो ये हमारे पास सिंगल स्टेप, ए एक्स में वैल्यू 3 मूव हुई, बी एक्स में वैल्यू 2 मूव हुई, देन आपके पास ये देखें यहाँ पे जे एम पी के आगे ये 0AH लिखा हुआ, ये इसका एड्रेस है। तो आपके पास सिंगल स्टेप, ये देखें सबट्रैक्ट की लेवल पे गया, ए एक्स को बी एक्स में से माइनस करेगा, ये देखिए यहाँ पे 1 हो गया, और ये आपका एग्जिट का कोड जो है वो एग्जीक्यूट अब शुरू होगा, ये एग्जिट का कोड हुआ, और आपके प्रोग्राम है ने रिटर्न कंट्रोल कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो आपके पास ये इंस्ट्रक्शन जो है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर मैं इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो मैं ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। और अगर आप मेरे से ये पूछें कि सर हमारा ये जो जंप की इंस्ट्रक्शन है ये कहीं भी कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है, तो आई वुड से यस, हम इससे कहीं भी प्रोग्राम में कंट्रोल ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखें, फर्स्ट आपने यहाँ पे एक अनकंडीशनल जंप यूज किया टू कॉल ए लेबल ऑफ नेम्ड सब्ट्रैक्ट, फिर आपने यहाँ पे क्या किया,
डिफाइन किया एक लेवल को ऑफ नेम सब्ट्रैक्ट, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेरी इंस्ट्रक्शन ये भी एग्जीक्यूट हो, या तो मैं क्या करता हूँ इसको इसके बाद डाल देता हूँ, एक तो ये है। लेकिन अगर मैंने इंस्ट्रक्शन इस जंप के बाद लिखी हुई थी और मैं इसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ, तो आपको पता है ये आपकी जो जेएमपी है ये यहाँ से यहाँ कंट्रोल ट्रांसफर कर रही थी, तो आप ये काम कर सकते हैं यहाँ से जेएमपी लिखें और एक लेबल जो है कॉल करें, लेट्स सपोज एडिशन की मैंने क्रिएट की, अभी ये आपने जो है कॉल की है, क्रिएट नहीं की, इसको यहाँ पे आके आपने क्या करना है, डिफाइन करना। डिफाइन करने का क्या तरीका है, आपने लेबल के जो है एंड पे क्या लिखना है, कॉलन लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास जो लेबल है ये देखिए, ये मैंने ऐड है आपके पास एक इंस्ट्रक्शन, तो हमारे पास उसी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐड, तो ऐड की यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शन है और ऐड की जो है आपके पास यहाँ कीवर्ड है। देखें ये आपके पास 3 2 इसने जंप किया सब्ट्रैक्ट पे, ये आपके पास क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ से फिर उसने जंप किया ये आपके पास इस लेवल पे और फिर ऐड हुआ और फिर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यही चलेगा और फिर यहाँ से अब ये प्रोग्राम आपका चलता रहेगा। हो क्या रहा है यहाँ पे आप देखें, ये मैंने जो अभी लेवल बनाई है ये आपकी एज ए कीवर्ड बना ली है, तो कुछ असेंबलर्स में तो ये आपके पास ये जिस तरह एमुलेटर तो अलाउ कर रहा है, लेकिन बाज असेंबलर्स में ये आपके पास क्या ये एरर आपको स्ट्रेट अवे आ जाएगा, आप कीवर्ड को एज ए लेबल आप नहीं बना सकते, दैट इज वाई आपने यहाँ पे डिफरेंस रखना है और लेबल जो आप यूज कर रहे हैं उसको एज ए रिजर्व वर्ड ना यूज करें। और आपके पास देखें यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि जब आप जंप करते हैं सब्ट्रैक्ट की लेवल में, तो सब्ट्रैक्ट की लेवल में आपका सब्ट्रैक्शन का कोड एग्जीक्यूट होता है, ax माइनस bx होता है, देन वो आपके पास कंट्रोल ट्रांसफर करता है एडिशन की लेवल पे, तो एडिशन की लेवल में आपके ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद देखें फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन आ रही है, तो आपका जो असेंबलर है जो इम्युलेटर में हम कर रहे हैं, ये असेंबलर है माइक्रो प्रोसेसर इम्युलेटर है, इसमें आपका जो कोड है वो क्या करता है, लाइक इंटरप्रेटर चलता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन कंट्रोल ट्रांसफर होता रहता है। अब यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है आपका यहाँ पे, और ये फिर यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद इस कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, ये कोड आ रहा है, तो आपके पास क्या हो रहा है, इमीडिएटली जो कोड इसके बाद आ रहा है वो एग्जीक्यूट होगा, दैट इज वाई यहाँ से आपके पास ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और फिर आपके पास ये काम जो है ये आपका चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पे ये इसको अवॉइड करने के लिए ये आपका जो है इन्फाइनाइट चलता रहेगा इस तरह, ठीक है, इसको हमने अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे अगेन एक अनकंडीशनल जंप यूज करते हैं, जे एम पी एंड, और ये मेरे पास जो एक कोड है ये है ना आपके पास एग्जिट का, ठीक है, इसको जो है मैंने एक नाम दिया, एक लेबल दी इसको एंड की, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको जो है कॉल किया और यहाँ मैंने इसे डिफाइन कर दिया। अब मैंने ये क्या किया है, यहाँ से मैंने अपना जो है कंट्रोल ट्रांसफर कराया इस सब्ट्रैक की लेबल पे, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ ax माइनस bx हुआ और फिर आपका यहाँ से कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा, इस लेबल के ये ऐड होगा और फिर वो कहाँ चले जाएगा, जंप यहाँ से एंड पे चले जाएगा, ये दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो फिर ये आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट पे चले जाएगा और ये चलता रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमने एक और अनकंडीशनल जंप यूज किया एंड का। तो देखिए हम इसको सिंगल स्टेप करते हैं, 3 ये आपके पास 2 ये जंप, देखें ये सब्ट्रैक्शन होगी जिस तरह मैंने आपको बताया, ये 1 हो गया, फिर यहाँ से आपके पास वो लेवल पे गया एड पे और यहाँ पे ax और bx को वो एड करेगा और फिर ये देखें आपके पास जंप और यहाँ पे हर ये आपके पास लेवल का एड्रेस है, तो ये आपके पास इसने एंड कर दिया। तो अब हमारे पास हमने ये देखा अनकंडीशनल जंप, बेसिकली आपके पास अनकंडीशनल जंप से हम क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे हैं विद इन ए प्रोग्राम फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और कि आपने यहाँ पे जिस तरह एडिशन का कोड लिखा हुआ है,
और ये आपके पास एक आपने यहाँ पे लेबल बनाई हुई है एडिशन की, और अगर इसी नाम का आपने कोई ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है, लाइक यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं इन्हें एक स्ट्रिंग बनाई हुई है कि str db hello world, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कॉन्सेप्ट इसका, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ मैं फिर सेगमेंट रजिस्टर भी सेट करता हूँ, मैं इसको जो है कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है आपको मैंने बता दिया इसका क्या है, तो कंट्रोल प्लस क्यू ब्लॉक कमेंट के लिए होता है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे कोई एक लेबल लेट्स सपोज क्रिएट कर दी str की नाम की, और उसी नाम का मेरा जो है यहाँ पे एक डेटा सेगमेंट में एक वेरिएबल भी पड़ा, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इसको प्रिंट करवा रहा हूँ ledx और str move ah 09h interrupt 21h। तो अभी आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, ये देखें डुप्लीकेट डेकोरेशन ऑफ str। असेंबलर ये समझ रहा है, जो आपका असेंबलर एंड माइक्रो प्रोसेसर इम्युलेटर है, कि ये जो आपका वेरिएबल है इसी नाम का वेरिएबल आपने दोबारा क्रिएट कर दिया, हालांकि ये एक लेबल है। तो हमने एक वेरिएबल में और एक लेबल में डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, शुरू में एट द रेट लगाना है एज ए कन्वेंशन और प्रैक्टिस जो आपके हर असेंबलर में फॉलो होती है। यहाँ पे आप अगर आप ये लगाएंगे, देखिए ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब ये हेलो वर्ल्ड आपके पास प्रिंट हो रहा है, इससे पहले क्या हो रहा था, आपके पास एरर आ रहा था। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि हर जो आपका यहाँ पे कोड है जिसमें आप कहीं भी लेबल यूज कर रहे हैं, उससे पहले आपने क्या करना है, लेबल को कॉल करते हुए भी आप जो है ये काम करेंगे, ठीक है, कि एट द रेट सब्ट्रैक्ट, और लेबल के जो डिफाइन करते हुए भी आप क्या करेंगे, ये यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब आपका कोड है, इसमें आपके पास ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर मैं इसको आपके पास यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि एट द रेट मैंने यहाँ जो है नहीं लगाया और यहाँ पे आपका लगा हुआ, तो ये देखिए आपके पास रॉन्ग पैरामीटर्स आ रहे हैं, यानी कि आपने फिर जंप को जब कॉल करना है तब भी फिर एट द रेट के साथ करेंगे, और यहाँ पे जब डिफाइन किया होगा तब भी एट द रेट यहाँ भी यूज करेंगे। फिर हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं आपके पास कंडीशनल जंप्स, जिसमें आपके पास CMP इंस्ट्रक्शन आती है। आपके पास CMP इंस्ट्रक्शन जो है ये कंपेयर करती है, CMP स्टैंड्स फॉर कंपेयर, ये आपके पास इम्प्लीफाइड जो है सब्ट्रैक्शन करती है, ये यानी कि आपके पास ना तो सोर्स ऑपरेंड की वैल्यू चेंज होती है आपकी, ना आपकी डेस्टिनेशन की। इसका ये हमने इंस्ट्रक्शन देखी थी सब्ट्रैक्शन के ग्रुप में, जब मैं आपको अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ा रहा था। तो CMP आपके पास यहाँ पे ये डेस्टिनेशन ऑपरेंड है, ये सोर्स ऑपरेंड है, तो ये टू ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है। लेकिन जब आपके पास ये बैकएंड पे किस तरह वर्क करती है, ये डेस्टिनेशन को सोर्स में से माइनस करती है और फ्लैग्स आपके पास कुछ सेट होते हैं या रीसेट होते हैं, लेकिन ना डेस्टिनेशन की वैल्यू चेंज होती है ना सोर्स की वैल्यू चेंज हो सकती। अब आपके पास CMP जो है इंस्ट्रक्शन, इसके तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। द फर्स्ट सिनेरियो इज कि आपका डेस्टिनेशन जो है सोर्स के इक्वल हो, उस केस में क्या है, दोनों नंबर सेम है, डेस्टिनेशन में भी सेम वैल्यू पड़ी है, सोर्स में भी सेम, जब आप सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपका जीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा। सेकंड सिनेरियो इज कि जो आपकी डेस्टिनेशन की वैल्यू है वो क्या है, सोर्स से लेस है, उस केस में क्या हो सकता है कि हमें कोई ना कोई बोरो लेना पड़े, तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, बोरो अगर MSP पे आएगा तो कैरी फ्लैग ऑन हो जाएगा। थर्ड सिनेरियो इज कि आपकी डेस्टिनेशन की वैल्यू क्या हो, सोर्स से ग्रेटर हो, उस केस में हमें कोई बोरो जो है लेना पड़ेगा और ना हमारा आंसर कभी जीरो आएगा, तो जीरो फ्लैग भी जीरो रहेगा और कैरी फ्लैग भी जीरो। इसको मैं तीन सिनेरियोस को एक्सप्लेन करता हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको पता लगे कि कंपेयर की इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है। अब ये कंपेयर की इंस्ट्रक्शन हमने कहाँ यूज करनी है, 886 असेंबली लैंग्वेज में हमने कंडीशनल जंप्स लगाने के लिए, यानी कि मैंने अगर कंडीशन लगानी है, यानी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कि हमने ग्रेटर चेक करना है टू नंबर्स में से, तो हमने वहां पे CMP इंस्ट्रक्शन को यूज करना है पहले, फिर वो डिजायर्ड जंप यूज करना है। आगे हम जंप्स देखते हैं कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल जंप्स होते हैं।
अब देखें द फर्स्ट सिनेरियो इज डेस्टिनेशन इज इक्वल टू सोर्स। एक आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें हम AL में वैल्यू 10 मूव कर रहे हैं और मैं कंपेयर कर रहा हूँ AL को 10 से। अब यहाँ मेरा AL जो है वो डेस्टिनेशन है और आपका सोर्स क्या है 10 है जो कि एक कांस्टेंट है। अब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फ्लैग कि इसमें आपके पास कौन कौन से फ्लैग्स ऑन होंगे, हमने यहाँ पे ये काम करना है कि ये जो 10 है आपके पास इसकी जो है यहाँ पे मैंने बाइनरी लिखी, यानी कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना AL को 10 से, तो ये क्या करेगा AL की वैल्यू को 10 में से माइनस करेगा। तो AL की मैंने यहाँ वैल्यू लिखी और मैंने यहाँ पे 10 जो है इसकी जो है ये दोनों की यहाँ पे मैंने बाइनरीज लिख दी। अब आपके पास CMP की इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या परफॉर्म करती है, सब्ट्रैक्शन। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। जीरो को जीरो में से सब्ट्रैक्ट किया जीरो, वन को वन में से किया जीरो, देन इस तरह आपके पास ये क्या आ गया जीरो। हमारे पास कोई बोरो अकर नहीं हुआ MSP पे, तो आपका कैरी फ्लैग क्या है जीरो। आपका रिजल्ट जो है वो जीरो है तो पैरिटी फ्लैग ऑन होगा। बोरो अकर नहीं हुआ फोर्थ बिट पे तो ऑक्सिलरी फ्लैग क्या है जीरो है, और रिजल्ट हमारा जो है वो जीरो है तो आपका जीरो फ्लैग क्या होगा ऑन होगा। और MSB जो है रिजल्ट की, ये देखें ये आपकी क्या है जीरो है तो साइन फ्लैग इसमें जीरो है। तो इस केस में हमारे पास ये फ्लैग बिट्स जो है ऑन होंगी, पैरिटी फ्लैग एंड जीरो फ्लैग, वेयर एज रेस्ट ऑफ द स्टेटस फ्लैग्स विल बी ऑफ। द सेकंड सिनेरियो इज डेस्टिनेशन इज लेस देन सोर्स। तो इस सिनेरियो में हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज के AL में आपके पास यहाँ वैल्यू, अब लाजमी नहीं है यहाँ पे AL ही हो और लाजमी नहीं है यहाँ पे 10 ही वैल्यू हो, ये जस्ट फॉर इंस्टेंस मैंने जो है आपको यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे कोई स्टोर की हुई है। ये देखें आपके पास AL में वैल्यू पड़ी हुई है 5 और आपके पास यहाँ पे 10 है, तो ये आपने क्या करना है, कंपेयर की इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन करती है। तो आपके पास सब्ट्रैक्शन हुई, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, देन यहाँ पे आपको पता है सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती तो आपको बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ से आपने बोरो लिया इधर, तो आपके पास 2 आ गया, 2 में से 1 1, और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा 0। तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, देन हमें यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा, वो यहाँ पे आएगा सबसे पहले MSP पे, देन वो आगे शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ सारे 1s हो जाएंगे आपके। तो 2 में से 1 हमने किया तो यहाँ 1, और आपके पास यहाँ पे टेट्रा 1 आ गया। और अब हमने आपसे मैं पूछूं कि इसमें फ्लैग्स जो हैं कौन सी बिट्स ऑन है, तो आप इसको आंसर को देख के और ये जो आपके पास हैं बोरो बिट पे आई हुई हैं MSP पे आई हैं, तो आप जो है बता सकते हैं कि कौन सी फ्लैग बिट्स ऑन होंगी या कौन सी ऑफ होंगी। अब देखें आपके पास यहाँ पे क्या है, बोरो ऑकर हुआ है MSP पे तो हमारा कैरी फ्लैग ऑन है। हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस एंड लोअर बाइट में, पैरिटी फ्लैग के लिए हम लोअर बाइट में चेक करते हैं और है भी फिलहाल आपके पास 8 बिट रजिस्टर, तो ये पैरिटी फ्लैग क्या है यहाँ पे जीरो है। बोरो ऑकर हो रहा है फोर्थ बिट पे हमारा, तो ऑक्सिलरी फ्लैग क्या है वन है। ये देखिए आपकी ये फोर्थ बिट है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फोर्थ बिट पे आपका बोरो आएगा तो ऑक्सिलरी फ्लैग आपका वन होगा। रिजल्ट जो है आपका जीरो नहीं है, ये देखिए ये आपका रिजल्ट जो है आ रहा है ये जीरो तो नहीं है, जीरो फ्लैग इज यहाँ पे जीरो। MSP रिजल्ट की क्या है वन है, तो आपका इस केस में साइन फ्लैग वन है। तो इस केस में आपके पास जो फ्लैग बिट्स ऑन है वो हैं कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग एंड साइन फ्लैग, वेयर एज रेस्ट ऑफ स्टेटस फ्लैग्स विल बी ऑफ। द थर्ड सिनेरियो इज डेस्टिनेशन इज ग्रेटर देन सोर्स। लेट्स सपोज कि आपके पास AL में वैल्यू है 101 और आप इसको कंपेयर करें वैल्यू के साथ 10, देन अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फॉर इंस्टेंस जो है ये मैंने वैल्यू स्टोर की हुई है, ये हम यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये आपके पास 101 की वैल्यू है, यानी कि डेस्टिनेशन जो है वो ग्रेटर है, और ये आपके पास क्या आपका सोर्स है जो कि 10 है। तो इस केस में हमारे पास ये देखें ये जो आपकी सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई बोरो नहीं आया MSB, तो कैरी फ्लैग आपका क्या है जीरो होगा, कोई यहाँ पे बोरो नहीं है। देन हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस है लोअर बाइट में, तो पैरिटी फ्लैग जीरो होगा। बोरो अकर हो रहा है फोर्थ बिट पे, तो हमारा ऑक्सिलरी फ्लैग वन है। रिजल्ट जीरो नहीं है तो जीरो फ्लैग क्या है जीरो है।
और एमएसपी रिजल्ट की क्या है, वो जीरो है, तो साइन फ्लैग भी क्या है, जीरो है। तो इसमें आपके पास क्या है, कैरी फ्लैग जीरो है और हमने देखा जीरो फ्लैग की है। तो हमने ये प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जब आपका डेस्टिनेशन ग्रेटर होगा सोर्स है तो आपका कैरी फ्लैग जीरो होगा और जीरो फ्लैग भी जीरो होगा। तो इनको हम जो है आपको मैं एमुलेटर में भी जो है यहाँ पे चेक करवा देता हूँ कि ये फ्लैग्स जो है कैसे जो है ऑन हो रहे हैं। तो लेट्स चेक दिस इन एमुलेटर 86। सो ये आपके पास तीन जो अभी हमने देखे एग्जांपल्स, इनमें हमने एमुलेटर 86 में चेक करना है कि हमारे पास जो है फ्लैग बिट्स जो है वो ऑन हो रही है या नहीं। तो हम इनको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखें डेस्टिनेशन, पहला हमारा सिनेरियो था डेस्टिनेशन जो है ग्रेटर और सोर्स है। इसमें आपके पास हम यहाँ पे एमुलेट करते हैं इसे, ये आपके पास 101 की वैल्यू जो है हेक्साडेसिमल में यहाँ पे आपको शो हो रही है और कंपेयर जो है ये इंस्ट्रक्शन जो है अभी आपकी एग्जीक्यूट होनी है। तो मैंने आपको बताया था मूव इंस्ट्रक्शन पे आपका कोई फ्लैग ऑन नहीं होता, तो यहाँ पे देखें आपका कोई फ्लैग अभी ऑन नहीं है। जब आप कंपेयर की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो आपकी ए एल की वैल्यू वही रहेगी, बट आपके यहाँ पे ये क्या करता है, डेस्टिनेशन को सोर्स में से माइनस करता है, लेकिन ना आपकी डेस्टिनेशन की वैल्यू चेंज होती है ना सोर्स की, और फ्लैग्स ऑन हो जाएंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे आपके यहाँ पे देखें 65 हुई है ए एल में, बट यहाँ पे फ्लैग्स ऑन हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सिलरी फ्लैग जो है ये 1 हो गया। तो हमने यही कैलकुलेट किया था यहाँ पे स्लाइड्स में, देखें हम ये हमारे पास जो सिनेरियो था जिसमें हमने ये देखें ऑक्सिलरी फ्लैग जो है कैलकुलेट किया था ये 1 है। तो ये रूल जो है ये सारे मैंने एक अपने वीडियो लेक्चर में आपको बताए हुए, तो स्टूडेंट्स आप वो लेक्चर जो है देख लें। तो हम आगे जो है यहाँ पे इसको देखते हैं, ये हमने देख लिया। अब देखें ये जो लास्ट फ्लैग्स आपके पास ये कुछ ऑन है, जब आप दोबारा कंपेयर करते हैं तो आपके फ्लैग्स जो हैं दोबारा सेट या रीसेट होते हैं। अब ए एल में वैल्यू मूव हो रही है 5, लास्ट वैल्यू आपके पास ये है तो ये ओवरराइट हो जाएगी, और अगेन अब आपके पास कंपेरिजन होगा ए एल की वैल्यू के साथ जिसमें डेस्टिनेशन लेस है सोर्स से, डेस्टिनेशन में 5 पड़ा हुआ है और यहाँ पे सोर्स में एक ग्रेटर वैल्यू है। तो ये देखिए आपके फ्लैग्स रीसेट हो गए या सेट हो गए। अब ये आपके पास कैरी फ्लैग इसमें ऑन हो गया, साइन फ्लैग ऑन हो गया, ऑक्सिलरी फ्लैग 1 है। तो ये हमने यहाँ पे देखा था एक एग्जांपल जिसमें हमने ये देखा था कैरी फ्लैग जो है आपका साइन फ्लैग ये ऑन हो गया, ऑक्सिलरी फ्लैग, यही फ्लैग्स आपके यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं ऑन हुए। देन अगेन आगे हम मूव करते हैं, थर्ड हमारा जो है डेस्टिनेशन सोर्स के इक्वल है। इसमें अब आपके पास ए एल में वैल्यू 10 मूव हुई और हमने इसको कंपेयर किया तो आपके फ्लैग्स यहाँ पे अगेन सेट हो गए, जीरो फ्लैग देखें ऑन हो गया, पैरिटी फ्लैग ऑन हो गया। इसको भी हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए हमारा जीरो फ्लैग ऑन था, पैरिटी फ्लैग ऑन था। फिर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंडीशनल जंप्स में आपके पास जो है फर्दर जंप्स हैं, अनसाइंड जंप्स हैं जो कि आपके पास यूज होते हैं फॉर पॉजिटिव नंबर्स ओनली। इसमें आपके पास जंप अबव है, जंप इफ अबव देन जे ए, जे एन बी ई स्टैंड्स फॉर जंप इफ नॉट बिलो देन और इक्वल टू, इनके बिहाइंड आपके पास जीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग्स यूज होते हैं। अगर ये आपके फ्लैग्स इसको जीरो मिलते हैं जंप को तो ये उस लेवल पे जंप करता है, अदरवाइज ये जंप नहीं करता। ये जब आपके फ्लैग्स जो है जीरो रहेंगे तो ये आपका जंप जो है ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। जे ए ई स्टैंड्स फॉर जंप इफ अबव देन और इक्वल टू, जे एन बी के इक्वल है ये जंप इफ नॉट बिलो देन, इसके लिए कैरी फ्लैग यूज होता है। इसी तरह आपका जे बी है जंप इफ बिलो देन, ये इक्वल है जंप नॉट अबव इक्वल के, तो जंप इफ नॉट अबव देन और इक्वल में ये आपके पास कैरी फ्लैग जो है वो 1 होता है। अब आपके पास ये जो जंप्स हैं इनका बिहेवियर तो यार डिफरेंट है, लेकिन इनमें जो फ्लैग्स हैं वो कॉमन है। इस तरह जे बी ई है, ये आपके पास जंप इफ बिलो देन और इक्वल टू, ये आपके पास जे एन ए जो है स्टैंड फॉर जंप इफ नॉट अबव देन। अब ये क्या है, इनके इक्वल क्या है, फ्लैग्स जो है वो दोनों के सिमिलर है, जीरो फ्लैग इस केस में 1 और कैरी फ्लैग 1 होगा जे बी जे एन ए के केस में। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आपके पास जंप्स हैं ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे ही वर्क करेंगे। देन आगे है हमारे पास साइन जंप्स,
अब साइड जंप्स में भी हमारे पास जो है ये देखें, ये जो दो जंप है इनमें ये फ्लैग्स आपके पास ये कॉमन है। जिस तरह जे जी है तो जंप इफ ग्रेटर देन है, जे एल ई है तो जंप इफ नॉट लेस देन और इक्वल टू है, जे जी है तो जंप इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू है, जे एन एल है तो जंप इफ नॉट लेस देन है। इसमें अगर साइन फ्लैग ओवरफ्लो फ्लैग के इक्वल होगा तब ये आपके पास जंप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इस तरह आपके पास जे एल ई है जंप इफ नॉट लेस देन इक्वल टू है, जे एन जी है जंप इफ नॉट ग्रेटर, इसमें जीरो फ्लैग वन हो अगर साइन फ्लैग ओवरफ्लो के इक्वल नहीं होता तो आपके ये जंप जो है ट्रू होंगे, अदरवाइज फॉल्स होंगे। और ये नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव नंबर के लिए भी वर्क करते हैं। थर्ड जो है इसमें आते हैं सिंगल फ्लैग जंप्स। जिस तरह मैंने दो नंबर्स को कंपेयर करना है वो इक्वल हैं या नहीं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जे ई यूज कर सकते हैं जे जी के लिए। जे ई मतलब जंप इफ इक्वल, जे जी जंप इफ इक्वल टू जीरो, इसमें जीरो फ्लैग आपके पास वन होगा। इसी तरह जंप नॉट ई है, जंप नॉट जीरो है, आपका जे सी है अगर कोई कैरी आता है तो ये आपके लिए उसमें यूज हो सकता है, अगर कोई कैरी नहीं है तो ये आप जे एन सी यूज कर सकते हैं, इसके लिए कैरी फ्लैग जीरो होगा। अगर कोई ओवरफ्लो होता है तो उसके लिए हम जंप यूज कर सकते हैं जे ओ, उसमें ओवरफ्लो वन होगा। अगर कोई ओवरफ्लो नहीं आ रहा तो ओवरफ्लो फ्लैग जीरो होगा, तो उस केस में आपके पास ये ट्रू आपको रिटर्न करेगा। इसी तरह जे एस है तो जंप इफ साइन, अगर आपके पास कोई नंबर नेगेटिव है उसमें साइन फ्लैग ऑन होगा तो ये जे एस जो है उस लेवल पर जंप कर जाएगा। इसी तरह अगर इवन पैरिटी है तो पैरिटी फ्लैग ऑन होगा, अगर इवन पैरिटी नहीं है तो ये जीरो होगा। तो हम यहाँ एक देखते हैं आपके पास एक जंप जिसमें, और उसमें हमें बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे देखना है असम्बली में इफ देन जो है, अगर हमने यहाँ पे जो है डेवलप करनी है असम्बली में तो हमने किस तरह डेवलप करनी है। तो आपके पास अभी एक सिनेरियो है, एक फ्लो चार्ट गिवन है। इस फ्लो चार्ट में अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यू जो है कंपेयर हो रही है एक जीरो के साथ, और कहता है अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने रिप्लेस करना है ए एक्स को बाय माइनस ए एक्स, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपने इसको एंड कर देना। तो इसका हमने अब प्रोग्राम देखना है। सबसे पहले देखें इसमें आपके पास कंडीशन आ गई है, अब यहाँ विदाउट एनी कंडीशन आप अपना कंट्रोल ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे कंडीशनल जंप लगाना पड़ेगा। कंडीशनल जंप लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, उसके बाद यहाँ पे ये जंप यूज करना है। अब जंप कैसे यूज करना है ये आपको ऑपरेटर जो है बता रहा है, क्या ऑपरेटर यहाँ पे है, लेस, तो हम लेस का जंप यूज करेंगे। तो आए हम देखते हैं इसको इम्यूलेटर 86 में कोड करते हैं। तो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, हमारे पास मैं कोई भी ए एक्स में वैल्यू जो है स्टोर कर देता हूँ, लेट सपोज -3, और मैं इसको कंपेयर करता हूँ ए एक्स को जीरो के साथ। अब देखिए मैंने यहाँ पे जीरो के साथ क्यों कंपेयर किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स जो है आपके पास जीरो के साथ कंपेयर हो रहा है, और इसमें क्या है ये लेस देन का ऑपरेटर है। तो अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जे एल, ये जंप मैंने लेस यूज किया तो कहाँ चले जाओ, अगर ये ट्रू है तो कहाँ चले जाओ, एक लेवल पे चले जाओ ट्रू की, लेट सपोज ट्रू की लेवल पे चले जाओ, और वहां पे आप क्या लेवल जो है आप यहाँ पे मैंने ट्रू की क्रिएट कर ली। इस ट्रू की लेबल में अब आपके पास यहाँ पे आपने ट्रू की लेबल क्रिएट की, इस ट्रू की लेबल में अब आपने क्या कोड करना है, रिप्लेस करना है ए एक्स को बाय माइनस ए एक्स, यानी कि अगर पहले पॉजिटिव है तो उसको माइनस ए एक्स में कन्वर्ट कर दो, और अगर पहले नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। तो ये काम कैसे होगा, एन ई जी नेगेट इंस्ट्रक्शन, तो आपने एन ई जी कर दिया। अब अगर ये कंडीशन जो है आपके पास ट्रू है, जिस तरह आप देखें ये कैसे वर्क करेगा, ये आपके पास कंपेयर की इंस्ट्रक्शन है, ए एक्स को ये क्या करेगी जीरो में से ये सब्ट्रैक्ट करेगी, ए एक्स में क्या पड़ा हुआ है माइनस थ्री और ये जीरो, तो आपके पास क्या आएगा इसका माइनस में ही जवाब आएगा, और ये इसकी बाइंड्री में आपने कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपके पास कौन से फ्लैग्स ऑन हो रहे हैं। जंप लेस के लिए हमारे पास जो फ्लैग इसे ऑन चाहिए वो आपके पास यहाँ पे देखें, जंप लेस के लिए आपके पास अगर साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग अगर ना इक्वल हो तब आपका ये जंप करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग इक्वल नहीं होंगे तो ये कहाँ जंप कर जाएगा, ट्रू के लेवल। अगर ये इक्वल होंगे, अगर आपके पास ये क्या है इक्वल आ गए तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तब उस केस में आपके पास क्या है
ये जो यहां मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं जंप एंड, ये जंप मैं कह रहा हूं फॉल्स, एक फॉल्स की लेवल पे चले जाओ। तो ये जो फॉल्स की लेवल है इसमें हमारे पास क्या है, एंड का हमारा प्रोग्राम होगा। तो हमने यहाँ पे एक लेबल जो है कॉल की फॉल्स की, तो ये देखें जैसे ही आपकी इंस्ट्रक्शन ट्रू होती है तो आपका कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा, जब ये इंस्ट्रक्शन आपकी फॉल्स होगी तो इमीडिएटली उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आ रही है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो ये कहाँ जाएगा, आपकी फॉल्स की लेवल, और फॉल्स की लेवल में हमने क्या डाला हुआ है, एंड का कोड। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने इफ जो है ना किस तरह बनानी है, डेवलप करनी है असेंबली में। इसको हम जो है रन करते हैं, सिंगल स्टेप करते हैं, ये हमारे सेगमेंट रजिस्टर आ गए ए एक्स में -3, ये इसकी हेक्सा में आपके पास वैल्यू मूव हो गई। ए एक्स को आप देखें यहाँ तक आपके कोई फ्लैग ऑन नहीं है, सिवाय आपके जो स्टेटस फ्लैग्स की बात कर रहा हूँ, स्टेटस फ्लैग्स जो है आपकी आपके ऑन नहीं है। तो कंपेयर किया आपने ए एक्स को 0 के साथ, ये देखें आपके साइन फ्लैग जो है ये, और आपका यहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो अभी आपके पास ये देखें साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग इक्वल नहीं है, तो इसे जंप करना चाहिए ट्रू पे। देखें ये ट्रू पे गया, ए एक्स का इसने क्या किया यहाँ पे निगेट कर दिया, तो आपका यहाँ पे 3 हो गया। और उसके बाद इमीडिएटली इस लेवल के बाद जो आपकी जो है ट्रू की लेवल के बाद जो आपके पास लेवल आ रही है वो क्या है, फॉल्स की आ रही है। तो फॉल्स में क्या है, ये एंड हो रहा। तो हमारे पास यहाँ पे देखें यहाँ पे ये जो फॉल्स की लेबल है, हम यहाँ पे इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो आपकी एंड की लेबल है इसको एक नाम दे दें लेबल एंड का, ठीक है। और यहाँ पे हम कह दें कि जैसे ही आपका फॉल्स होता है तो वो कहाँ जाए, एक एंड पे चले जाए। तो अब आप पे है कि आप यहाँ पे नाम इसका जो है एंड दे दें, ठीक है, और ये एंड पे चले जाए तो ये भी ठीक है, या आप जो है यहाँ पे फॉल्स ही रहने दें। तो ये आपके पास क्या है, फॉल्स, यानी कि इस ट्रू के बाद आपके पास ये लेबल, अगर आप चाह रहे हैं जिस तरह देखें इस केस में जिस तरह ट्रू होता है और ट्रू के बाद वो एंड हो, तो आप यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर भी अपना करवा सकते हैं उस केस में, जंप एंड। फिलहाल ये मैटर नहीं करता यहाँ पे कि आपके पास क्यों, क्योंकि अभी आपके पास क्या है कि यहाँ पे फॉल्स में एज सच कोई और स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन नहीं है। यानी कि अगर मेरी कोई और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही होती जिस तरह ट्रू के केस में एक इंस्ट्रक्शन है और फॉल्स के केस में कोई और इंस्ट्रक्शन होती, तब हमारे पास हमें ये जंप तो लाजमी करना चाहिए। फिलहाल हमारा अगर हम ये ना भी करें तब भी ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे ये जंप जो है यूज़ की है, और ये जंप यूज करके आपने यहाँ पे ये लेबल्स क्रिएट की। तो आप ये देखें इमुलेट करें, ये रन करते हैं, ये आपका रन हो रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पॉजिटिव नंबर करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो ये आपके पास 3 है, ये 0 के साथ कंपेयर हुआ। अब आपके यहाँ पे जो फ्लैग्स थे वो उसको बराबर मिले हैं यहाँ पे, तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये एंड पे चला गया, ठीक है। और हमारे पास एक आगे हम प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमने इफ को ही यूज करना है कि राइट एन असेंबली प्रोग्राम विच स्टोर्स ए नंबर 100 इन एनी रजिस्टर, एंड इफ द रजिस्टर वैल्यू इज ग्रेटर देन 100 इट शोज द नंबर इज ग्रेटर देन 100। तो हम इसको आप कोड करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो हमने अब ये प्रोग्राम करना है, मैंने एक स्ट्रिंग बना ली अपनी डेटा सेगमेंट में जिसमें ये आपकी स्ट्रिंग शो होगी द नंबर इज ग्रेटर देन 100, और अगर 100 से वो ग्रेटर नहीं है तो आपके पास प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक वैल्यू जो है स्टोर कर रहा हूँ एएक्स में 100, और कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे एएक्स को 100 के साथ, ठीक है। तो अगर ये आपके पास ग्रेटर है तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जंप ग्रेटर, तो कहाँ चले जाए एक लेवल पे कि लेट्स सपोज ग्रेटर की लेवल पे चले जाए। अगर ये आपका जो है यहाँ पे ग्रेटर हुआ तो यहाँ पे ग्रेटर पे चले जाए, और यहाँ पे आपके पास क्या मैसेज प्रिंट हो, एल ई ए डी एक्स, और
इसमें मैसेज जो हमने यहाँ पे लिखा MESG move AH09H interrupt 21H। तो हमारे पास अभी यहाँ पे यही है कि जो आपका ये अगर वैल्यू जो है, जिस तरह मैंने यहाँ 101 दे देता हूँ, तो आपके यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, द नंबर इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपके पास, अगर अभी ये 100 से ग्रेटर है, दैट इज वाई ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। अगर आपके पास ये कंडीशन जो है फॉल्स होती है, तो आपके पास तब भी ये जो है ग्रेटर की लेबल चलाएगा, क्योंकि देखें ये अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके बाद इमीडिएटली कोड क्या आ रहा है, ये कोड आ रहा है। इस तरह भी यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 90 कर देता हूँ, तो ये देखिए इमुलेट किया, तो आपके पास तब भी ये जो है इंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि देखें ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, इस फॉल्स के बाद ये कोड आ रहा है, तब भी ये चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास, जबकि ये देखें हमने यहाँ लगाया ग्रेटर की, तो ये हम प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे इफ देन एल्स है, तो इसका जो हम एल्स पार्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे इफ देन एल्स की, और हम यहाँ पे इफ एल्स इफ जो है वो देखेंगे और स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह।